बात करने से नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। आपका रोजी रोटी का बात है, आप लोग को समस्या समाधान के लिए पहले सोचना होगा कि आपको करना क्या होगा। लड़ाई अकेले नहीं होगा मित्र बाबू, आप लड़ाई अकेले ही किया जाता है, बाद में सब साथी बनता है। उसको जब पीछे से भाग जाता है ना, उसी वक्त तो परिस्थिति खराब हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि आप लोग खुद कमजोर है, आप लोग हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर, सभी के बारे में बोल रहे, सभी मजदूर कमजोर है, हम सब कमजोर हैं, हम लोग अपना सही बोले, सब पावर नहीं जा रहे हैं, जान ले कासो चला है, ऊपर ऊपर होता ना पूरा हमर चला था ना, अभी महीना भर हम लोग के मजदूर के दोष है, हाथ जोड़ पूरा टोटल दोष मजदूर के, पैर पकड़ के हम लोग का अभी लड़ाई जोन भाई लोग लड़ाई सबके बात, सिर्फ हमारा लड़ाई ना बा, हमारे तक हम तो S4 के बानी मिस्त्री बानी, S4 के तो कोनो प्रॉब्लम ना बा, प्रॉब्लम रहे तार लोग के तार डिपार्ट के, पर तार लोग हम लोग के साथ सही तरीके से ना दे लेके मेजरमेंट अपने अपन भाई लोगों ने चिंता कर वैसे नहीं बात नहीं कि हम लोग अपन आगे खड़ा करें लेके हम लोग आगे का लड़ाई करेंगे। और जो भी समस्या बा जो लोग बोल रही है, अगर जो आदमी भाई लोग काम नहीं है नया मशीन बोलत बा क्योंकि हम लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट के दावी करें मैनेजमेंट MP साहब बोले हैं एक बड़ा सभा करेंगे कि आप लोगों का सबका उपस्थिति जरूरी है, आप लोग रहिएगा और उसके बाद तय होगा जो मजदूर काम के नहीं मिल रहा है उसको उसके साथ क्या किया जाए, कोई वंचित नहीं रहेगा, आप लोग को एकजुट रहना होगा। अगर जरूरत पड़ेगी सुन लीजिए, हमारे MP साहब अर्जुन सिंह यदि यहाँ वो डेट रखते हैं जो मीटिंग होगा, जरूरत पड़ेगा उस दिन हम लोग एक दिन के लिए डिबेट पूरा समस्या क्या आप लोगों का? हम लोग का मेन समस्या है हुकुम चंद का, हम लोग दांत का मजदूर है, प्रत्येक मजदूर को 12 दिन से कम काम होता है, मशीन जबरदस्ती बंद किया जाता है, मजदूर को घर भेजा जाता है। को लेकर हम लोग आपस में हम लोग विचार किए हैं कि क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट अपना मनमानी कर रहा है, मजदूर के ऊपर शोषण हो रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट जबरदस्ती उसको भेजा जा रहा है, वहाँ वो लोग को काम नहीं होता है, काम नहीं होता जब दूसरा डिपार्टमेंट भेजता है तो उसको उस दिन से हाजिरी देना चाहिए, वो चीज़ भी नहीं करता है, वो 2 महीना 2.5 महीना समय देता है, जब वो काम फिर सीखेगा दूसरा डिपार्ट को तब उसको हाजिरी मिलेगा, इसके पहले कोई सुनवाई नहीं है, यानी कि काम करते हुए लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, काम मांगने जाइए तो बोलता है काम नहीं है, रिजाइन कर, और काम नहीं मिलता तो पैसा भी नहीं मिलता उसको, काम मांगने जाइए तो रिजाइन कर। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं मिल में? कितने लोग इस कारण से कितने लोग बेकार हो चुके हैं? मोटा मोटी 1000 आदमी अभी बेकार है, जो कि अभी फिलहाल वो लोग दूसरा मिल में जाकर अपना रोटी रोजगार के लिए दूसरा मिल में जाकर काम करता है, या जुगाड़ में कहीं भी ऐसा काम करता है वो लोग। तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग MP साहब हैं, MLA साहब हैं, हम लोग सबके पास, CM साहब के पास, PM साहब सबके पास हम लोग चिट्ठी देंगे, जानकारी देंगे कि हम लोग गरीब मजदूर के लिए वो लोग क्या कर पाएंगे। तो मांग क्या आप लोगों का मुख्य रूप से? हम लोग का मुख्य मांग यह है कि जो पुराना मशीन है वो रहने दिया जाए, इससे मिल को नुकसान होगा तो? मिल का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी मिल में 100% जो है कहीं भी मोटलाइज नहीं होता है, यहाँ तो 100% के करीब पहुँच चुका है कंपनी, अब कितना मोटलाइज करेगा, कितना आदमी को हटाएगा। अच्छा, अगर वो तात का मशीन के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, तात उस मशीन को अगर हटा दिया जाता है तो कितने लोगों का रोजगार चला जाएगा? लगभग 2.5 से 3 हज़ार मजदूर बेकार हो जाएंगे। पहले बोला था 60 मशीन हटाएगा, अब तो 200 मशीन हटा दिए,
अपना मुश्किल हटा दिया, कुछ बोलने नहीं पड़ेगा, सब बेकार में हो जाएंगे। पीछे पांच आदमी बाल बच्चा उधर भी लोग ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচু বাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন গীতা কনস্ট্রাকশন, 6289063557, 9831478795।